ये कहानी है शहर से दूर गंगापुर नामक एक गांव की, जहां के लोग खेती और छोटे मोटे उद्योगों के जरिए अपनी जीविका चलाते हैं। गोपाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। शादी के लंबे अरसे बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से रखा किशन। किशन अब बड़ा हो गया है, अरे उसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना है। लेकिन वो स्कूल तो घर से बहुत दूर है। अरे तो क्या हुआ, इसके अच्छे भविष्य के लिए हम उसे उस स्कूल में जरूर भेजेंगे। अरे देखा तुमने, बेटा मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, हम इसे ऊंची से ऊंची तालीम दिलाएंगे। हाँ, हमें इसकी आगे की पढ़ाई के बारे में भी तो सोचना है। वो बड़ा हो गया है, लेकिन इसके लिए तो उसे शहर भेजना होगा ना। किशन शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने लगा। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अव्वल दर्जे से पास होता गया। इधर उसकी पढ़ाई पूरी हुई, उधर गांव में उसकी मां मीरा का देहांत हो गया। ऐसे वक्त में उसके पिता गोपाल ने उससे इसके बारे में कुछ भी कहना उचित न समझा। अपनी मां की मौत की खबर से बेखबर किशन दिन रात रोजगार की तलाश में जुटा रहा। एक दिन
एक लिमिटेड कंपनी में मिस्टर कृष्ण यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब और नाउ आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच नौकरी मिलते ही किशन सबसे पहले प्रणाम पिताजी हाँ जी खुश रहो बेटवा कैसे हो हा? अरे तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई ना पैसों की वजह से कोई परेशानी तो नहीं हुई ना नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है और एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई है और तो और एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया है वहां पर अब आप और माँ से दूर रहना अच्छा नहीं लगता आप दोनों को इस बार मेरे साथ चलना होगा माँ दिखाई नहीं दे रही है कहाँ है बेटा अरे हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैंने तुम्हें बताया नहीं तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है बेटा ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी माँ नहीं रही मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई आपने मुझे इस बारे में बताया तक नहीं बेटा बेटा तुम्हारी माँ और मैंने एक सपना देखा था कि तुम पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े इंसान बनो बहुत बड़े आदमी बनो ताकि तुम्हारे जरिए ये गांव और इस जैसे कई गांव विकास के पथ पर आगे बढ़ सके तुम हमारा ही नहीं इस गांव का भी नाम रोशन करो यही सोचकर हमने अपना सब कुछ बेच कर भी तुम्हें पढ़ाया बेटा ये वजह थी कि स्वास्थ्य खराब रहने के बावजूद तुम्हारी माँ ने इलाज में ज्यादा पैसे लगने के डर से अपनी परवाह नहीं की ताकि तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसों की कमी ना हो उसने ही मुझे तुमसे ये सब बताने से मना किया था बेटा मना किया था पिताजी आपने और माँ ने मेरे लिए इतने कष्ट उठाए माँ को अपनी जान तक गंवानी पड़ी मैं वादा करता हूँ आप दोनों का सपना जरूर पूरा करूंगा अब मुझे शहर नहीं लौटना मैं यहीं रहकर गांव के विकास में जी जान से हाथ बटाऊंगा मेरा ध्येय इस जैसे कई गांव को विकास के पथ पर ले जाना होगा ताकि गांव में रहने वाली जनता भी शिक्षित और आत्मनिर्भर बन सके यही यही मेरी माँ को मेरी ओर से एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी